हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं ग्रूट, आई एम ग्रूट की डिजाइन का पोस्टर। तो कैसे बनाते हैं, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद न्यू के अंदर जाएंगे हम, A4 साइज की पेज जो है वो लेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास प्रॉप से उसका यूज करेंगे हम। मेरे पास एक बैकग्राउंड है, इसकी डिजाइन जो हमने रखी हुई, एक ये वाला डिजाइन है मेरे पास, उसका यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। एंटर करने के बाद इस छोटे ग्रुप को हम यहाँ से निकाल लेंगे। L फॉर लासो टूल लेंगे और इस ग्रुप को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F7, पहले इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज करना पड़ेगा तो ही होगा। शिफ्ट F5, कंटेंट अवेयर, देन ओके, यानी कि ये जो डिजाइन यहाँ से निकल जाएगी थोड़ी सी प्रोसेस होने के बाद। शिफ्ट F5 और ये यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा जो ग्रूट का जो छोटू है ग्रूट, उसको यहाँ से लेंगे और इसको भी लेंगे, गन मास्टर को और छोटू ग्रूट, ये यहाँ पे आ चुका है छोटू ग्रूट। ये यहाँ पे आपको अपनी डिजाइन के हिसाब से लगाना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये उसके हाथ में मैंने बॉम्ब दे दिया है क्योंकि ये जो डिजाइन बना रहे हैं हम, वो बॉम्ब के रिलेटेड ही बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जूम करके उसको उसके एस्पेक्ट रेशियो से हम मैच करके हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना हो चुका है। Ctrl-0, दूसरा करेक्टर लेंगे। ये आ गया हमारा दूसरा करेक्टर, उसको हम यहाँ पे बिठाएंगे। ओके, देन क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी डिजाइन जो है उसको ऐड करेंगे। पहले ट्री है, ट्री को ऐड करेंगे यहाँ से। अब ट्री यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इस डिजाइन को बैक साइड यानी कि जो ये जो क्रैकर्स है उसके पीछे लगाना है, तो मुझे के क्रैकर्स को कटिंग करना पड़ेगा, यानी कि सिलेक्ट करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं रफली सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी तरफ से अच्छी डिजाइन अच्छे तरह से सिलेक्ट करके उसको यूज कीजिएगा। ठीक है, Ctrl-J फॉर डुप्लीकेट। अब इस ट्री को मैं यहाँ पे पीछे लग रहा हूँ। ठीक है, Ctrl-T टैन यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर थोड़ी सी इमेजेस डालेंगे गार्डन ऑफ गैलेक्सी की और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। न्यू लेयर, बी4 ब्रश, साइज बड़ी कर देंगे इसकी और यहाँ पे अभी ये जो कलर आ रहा है मुझे वो वाइट चाहिए, तो सिलेक्ट करेंगे एंड बी4 ब्रश, इसको हाईलाइट करने के लिए फिर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। सेम इसकी कॉपी मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, लेकिन ब्रश की साइज थोड़ी छोटी। नया लेयर, न्यू ब्रश, Ctrl-T करके इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं और अब इसको थोड़ा सा पोस्टर का लुक देने जा रहे हैं हम। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू लेयर, उसके अंदर ग्रेडियंट फिल करना है ब्लैक एंड वाइट, जस्ट फिल। ओके, देन मोड चेंज करेंगे इसके अंदर से, कौन सा वाला अच्छा लुक दे रहा है वो रखेंगे और उसको सेट कर देंगे। एडजस्टमेंट लेयर के अंदर लट्स के अंदर जाएंगे, नए लट्स जो है उसका यूज करेंगे।
आपके पीसी में डिफॉल्ट है तो उसका यूज कर लीजिए, और कौन सा लट्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो देखेंगे यहाँ पे और वो सेट कर देंगे। एक ये है फिल्म स्टॉक, दूसरा देख लेते हैं, ये भी अच्छा है के F7। हम अपने लेयर के पास आ चुके हैं, ये देखिए कुछ इस टाइप का डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट देख लीजिए लाइट एंड डार्क, थोड़ा सा लाइट डार्क कर सकते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर लेके, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो भी आपको ठीक लगे वो चेंजेस कर लीजिए अपने हिसाब से। और अगर चेंज करना चाहते हैं तो लेवल भी है, लेवल भी चेंज कर सकते हो आप। F7 एक्सपोजर, देन डन। अब हम टेक्स्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने फिलहाल ये है मेरे पास टेक्स्ट आई एम ग्रूट, तो मैं वो ले लेता हूँ इसके अंदर, देन इसको फिल करके छोटा करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब टेक्स्ट ही लिखना बाकी है, बाकी हमारी डिजाइन हो चुकी है रेडी, और आपको कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे कमिंग सून लिख रहा हूँ। अब ये टेक्स्ट जो है वो पूरा हाईलाइट नहीं हो रहा है, हाईलाइट होने के लिए क्या करेंगे, न्यू लेयर G4 ग्रेडियंट, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का ग्रेडियंट है उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, देन ओके ओके, और यहाँ पे फिल कर देंगे। लीनियर लेना है, रेडियल नहीं लेना है यहाँ पे फर्स्ट वाला, ठीक है, कुछ इस टाइप से लेंगे और इसको मोड चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा लाइट भी कर देंगे ताकि अच्छा लुक दे। ओके डन, कमिंग सून को ऊपर लेके आएंगे, प्रॉपरली हाईलाइट हो इसलिए, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट देना चाहते हो वो दे सकते हो। फिलहाल ये हमारी डिजाइन हो चुकी है रेडी, अगर आपके कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो हमें जरूर बताइए, ठीक है। ये हो गई हमारी डिजाइन रेडी, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, गुड बाय।